आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल, बडोरा में वसूली करने गए एक युवक के साथ दुकानदार ने की मारपीट, पीड़ित हुआ गंभीर रूप से घायल। घायल का बैतूल बाजार पुलिस ने कल जिला चिकित्सालय में ले जाकर करवाया मेडिकल। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जा रही है जांच। बैतूल, पांडरा गांव के लोग कंपनी द्वारा धोखाधड़ी करने के मामले में शिकायत करने के लिए कल पहुंचे बैतूल के कलेक्ट्रेट कार्यालय। ज्ञापन सौंपते हुए कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की करी मांग। बैतूल, गंज के सोहागपुर जोड़ के पास हुआ हादसा, आयशा ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार महिला की हुई मौका स्थल पर मौत। विवाहिता पति के साथ बाइक पर सवार होकर जा रही थी मुलताई। ट्रक को पुलिस के द्वारा किया गया है जब्त। बैतूल गंज के प्रसिद्ध नेशनल टेलर शाकिर खान अपनी पत्नी अफसरी बेगम उम्र 38 के साथ शादी समारोह में शामिल होने बाइक से जा रहे थे मुलताई। नेशनल हाईवे पर आयशर ट्रक ने मार दी भीषण टक्कर। बैतूल जिले में आयोजित हुआ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण। एमएलबी स्कूल में प्रसारण को देखने के लिए बैतूल सांसद श्री डीडी उइके भी हुए शामिल। बैतूल, कमलापुर में एक युवक पर चाकू से हमला करने के मामले में एक बालाचारी और एक अन्य आरोपी को गंज पुलिस ने कल किया गिरफ्तार। बैतूल, वाहनों पर लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। बैतूल के जेएच कॉलेज में 3 फरवरी को इस हेतु लगेगा कैंप। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वाहनों में इस तरह की नंबर प्लेट लगवाना है अनिवार्य। बैतूल, उपभोक्ता आयोग का फैसला, टेमजीरा और मुलताई के किसानों को मिलेगी फसल बीमा राशि। भू अभिलेख कलेक्टर कार्यालय की ओर से उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, 6 किसानों को उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद फसल बीमा राशि के मिलेंगे तकरीबन 4,00,000 रुपए। बैतूल, कन्यागंज स्कूल की 18 छात्राओं को मिला उत्कृष्ट पुरस्कार। मतदाता जागरूकता स्वीप गतिविधियों के लिए जिला स्तर पर छात्राएं हुई पुरस्कृत। बैतूल कलेक्टर एवं बैतूल पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया सम्मानित। बैतूल, घोडोंगरी सीएमओ पर अध्यक्ष और पार्षदों के पोस्टर फड़वाने का आरोप, अध्यक्ष ने पुलिस से की शिकायत, बोली आदिवासी होने के कारण किया जाता है अपमानित। मुलताई, प्रभातपट्टन वरुण नेशनल हाईवे हुआ सैंक्शन, 328 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नेशनल हाईवे। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा किया जाएगा भूमि पूजन। मुलताई, ग्राम टेमजीरा ब में श्री राम मंदिर निर्माण भूमि पर पत्थर और झंडा रखकर किया अतिक्रमण, इसको लेकर कल ग्रामीण पहुंचे मुलताई के तहसील कार्यालय, इसको लेकर सौंपा ज्ञापन। अच्छा, और वो जमीन तकरीबन कितनी है? और आपका नाम बताइए। मैम, आप गांव की सरपंच है, तो आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? राम मंदिर बनना चाहिए तो ये मुलताई के नागदेव मंदिर में कल पूर्णाहुति
और भंडारा प्रसादी के बाद दिव्य श्री राम कथा का हुआ समापन। कल भंडारा प्रसादी में तकरीबन 15,000 लोगों ने प्रसादी की ग्रहण। बीते 22 जनवरी से श्री राम कथा का किया जा रहा था आयोजन। मुल्ताई की तहसील कार्यालय में ईवीएम प्रदर्शन का किया जा रहा है आयोजन, लोगों को किया जा रहा है जागरूक। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि ये मतलब आप जो सेटअप लेके बैठे हैं, काय का सेटअप है? ये ईवीएम मशीन है। अच्छा, ये मशीन का प्रदर्शन चल रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ये शासन की तरफ से प्रदर्शन करवाया जा रहा है, तो इसमें आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मुल्ताई, दुनावा शराब दुकान के पास संचालित हो रहा है आहता, शासन के आदेशों की हो रही है अवहेलना। दुनावा की देसी शराब दुकान के पास अवैध रूप से इन दिनों आहता संचालित हो रहा है, जिसकी जानकारी मुल्ताई पुलिस विभाग और आबकारी विभाग को होने के बाद भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई न होने से यहाँ के लोगों में आक्रोश साफ देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा आबकारी नीति के अनुसार जारी आदेशों का दुनावा में जमकर उल्लंघन हो रहा है। शराब दुकान के बाजू में ही शराबियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध होने से आम लोगों को काफी परेशानी इन दिनों उठानी पड़ रही है। मुल्ताई छिंदवाड़ा मार्ग पर एक बाइक और कार की हुई भीषण भिड़ंत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल। NHI एम्बुलेंस 1033 की मदद से घायलों को पहुंचाया गया मुल्ताई अस्पताल। मुल्ताई के सीएम राइज स्कूल, पीएम श्री स्कूल सहित अन्य स्कूलों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का दिखाया गया लाइव प्रसारण। आमला पंका हाईवे मार्ग पर ढाबे पर खड़े कंटेनर गाड़ी से दो अज्ञात व्यक्तियों ने डीजल किया चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। शाहपुर बहरा में एकल अभियान के अंतर्गत आचार्यों का संच मासिक अभ्यास वर्ग हुआ आयोजित, इस दौरान विधायक गंगा उइके भी रही उपस्थित। घोड़ा डोंगरी नगर परिषद के फ्लैक्स को सीएमओ के कहने पर दो कर्मचारियों ने फाड़ा, नपा अध्यक्ष ने मामला दर्ज कराने को लेकर कल चौकी में सौंपा आवेदन। घोड़ा डोंगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ोंगरी में दस्तक अभियान को लेकर बैठक का किया आयोजन, इस दौरान स्वास्थ्य कर्मचारी रहे बड़ी संख्या में उपस्थित। भैंसदई कोथलकुंड से बहिरम बाबा दरबार के लिए कल निकाली गई पदयात्रा, पदयात्रा में शामिल हुए कांग्रेसी पूर्व विधायक श्री धर्मो सिंह सिरसाम। भैंसदई गांव चलो अभियान की जिला स्तरीय कार्यशाला कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुई संपन्न, भैंसदई मंडल से भाजपा पदाधिकारी इस अभियान में हुए शामिल। आठनेर तहसील मुख्यालय आठनेर पर होगी प्रति मंगलवार जन सुनवाई, इसको लेकर तहसीलदार के द्वारा दी गई जानकारी।